आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में इकाना स्टेडियम में आज हो रहा है महामुकाबला। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज महामुकाबला होगा। लखनऊ और बेंगलुरु की टीम का होगा आमना सामना। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज महामुकाबला, दर्शकों को हाई स्कोर मैच होने की उम्मीद। लखनऊ और बेंगलुरु के बीच आज आमना सामना होगा। इकाना स्टेडियम में आज महामुकाबला होगा। लखनऊ और बेंगलुरु की टीम का होगा आमना सामना। हवाला के जरिए हो रही है नकली दवा का कारोबार। जांच के दौरान एसटीएफ एफएसडीए को मिले बड़े सबूत। दवा कारोबार में हो रही करोड़ों की टैक्स चोरी। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां नकली दवाओं का कारोबार जारी है, पकड़े गए लोगों से पूछताछ के दौरान हुआ खुलासा। हवाला के जरिए हो रहा है नकली दवा का कारोबार, बड़ी खबर लखनऊ से है। जांच के दौरान एसटीएफ एफएसडीए को मिले बड़े सबूत। दवा कारोबार में हो रही करोड़ों की टैक्स चोरी। कानपुर में कार ने स्कूली ई रिक्शा को मारी टक्कर। स्कूल के एक छात्र की मौत, कई बच्चे हुए घायल। बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। घायल बच्चों को रिजेंसी में कराया गया भर्ती। स्कूली ई रिक्शा को एक कार ने मारी टक्कर। नवाबगंज के विष्णुपुरी डॉल्फिन चौराहे की पूरी घटना है। थाना कोहने की तरफ से एक गाड़ी आ रही थी मारुति, उसमें एक दुखद घटना हुई थी जिसमें एक बच्ची का भी पता चल रहा है कि एक्सपायर हो गए। जो बाकी तीन बच्चे थे वो अपने स्कूल गए थे, स्कूल से उनके पेरेंट्स उनको लेके जा चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ पे घटना का मुआयना भी करा, स्कूल में जाके स्कूल के बच्चों से उनकी फैमिली से भी बात की जा रही, और जो बच्ची की जिसकी डेथ हुई है उसके हम पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज रहे हैं, और आगे की जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। ये जो गाड़ी थी, इसको मारुति गाड़ी थी को जो चालक है उसको भी हम लोगों ने पकड़। समाजवादी पार्टी के मुखिया मेट्रो स्टेशन से आज करेंगे सफर। नगर निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव प्रचार प्रसार में जुटे। सिंगार नगर से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक सफर करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर महापौर प्रत्याशी वंदना मिश्रा के लिए मांगेंगे वोट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज प्रचार प्रसार के लिए लखनऊ में रहेंगे। शाम 6 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे अखिलेश यादव। गोमती नगर रिवर फ्रंट पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में एक और नया खुलासा। दिल्ली से मंगवाए गए थे हत्याकांड में इस्तेमाल हुए असलहे। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक नया खुलासा। अंतर्राज्यीय स्तर पर तस्करी करने वाले तस्कर से मंगवाए गए थे असलहे। तस्कर और असद के तीन पनाहगारों ने किया पूछताछ में खुलासा। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा। दिल्ली से मंगाए गए थे असलहे जो कि उमेश पाल हत्याकांड में प्रयोग किए गए थे। अंतर्राज्यीय स्तर पर तस्करी करने वाले तस्कर से मंगवाए गए थे असलहे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।